वेलकम बैक टू स्टॉक्स वाओ यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एमपीएस इंफोटेक्निक्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो एमपीएस इंफोटेक्निक्स स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम किए, 60 पैसे अफ ये मीन 60 पे ट्रेडिंग कराए, पाउंड 60 पे ट्रेडिंग कराए, 5 पैसे अफ 9% की तेजी देखने को मिले एमपीएस इंफोटेक्निक्स स्टॉक के अंदर। तो देख सकते काफी दिनों से यहाँ पे मोमेंटम की बात की जाए तो कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आ रही एमपीएस इंफोटेक्निक्स में। तकरीबन देख सकते कि 24 से मोमेंटम नजर आ रहे, क्योंकि देख सकते स्टॉक कोई तेजी भी नहीं दिखा रहा है, गिरावट भी नहीं हो रहे। मींस यहाँ पे देखोगे तो हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, उसके पहले आज की मोमेंटम देखी जाए तो आज गैप अप से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 60 लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे 55.55 लेवल जो है वो सपोर्टिव एक्ट होती हुई नजर आ रहे स्टॉक के लिए। मींस यहाँ पे मार्केट कैप जो है 207 करोड़ का है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक की मोमेंटम देख सकते, फिर चाहे तो 1 मंथ की मोमेंटम देख सकते और 6 मंथ की मोमेंटम देखिए जाए तो 25% डाउन है, और 1 ईयर की चार्ट देखा जाए तो 33% डाउन है स्टॉक। तो देख सकते कि वॉल्यूम भी यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख सकते कि 10,52,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज विशेष इन्फो के लिए। ट्रेडेड वैल्यू 6 लाख की देखने को मिले, बाइंग के लिए 2 करोड़ 58 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, पर सेलिंग के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते कि 1 करोड़ 37 लाख। बाइंग का प्रेशर अभी भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट लेवल के ऊपर नजर डाल सकते हो आप लोग। तकरीबन एडजस्टेड प्राइस जो है 55 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 55 लेवल पे रिसेंटली एडजस्ट हो चुका है स्टॉक आज के दिन में। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग भी 55 पे ही थी। चार्ट के ऊपर में नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे तकरीबन 24 ही मूवमेंट बनाए, गिरावट होती है, नीचे आ रहा है स्टॉक, पर बाउंस बैक भी हो सकता है जैसे कि कोई खास अपडेट आती है, न्यूज आती है, पर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं।